नमस्कार आपण देखने अर्गस अपडेट आपण स मो बिस्ने प्रथम हेडलाइंस पूरी गस्तरे बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी सिंहद्वार सम्मुखें पतित पावन दर्शन सह पूजार्चना बगला जमी बिक्री को निंदा करबा सह मंदिर खोलिबा को दाबी कले राज्य प्रभारी गंजाम बड़ धरण समवाय स्कैम नकली सुना बंधक रखी कोटि कोटि टंका हड़प बैंक मैनेजर और बणियां मिली भगत में चलता कारबार अभियोग पर खोलताड़ आरंभ गंजाम जिला हिंजलीकाटु अंचल दुखद घटना विद्युत तार संस्पर्शन आसी दंपति मृत बिल को जाता बेले छिंडी पड़ता तार संस्पर्शन आसी चलीगला जीवन कंधमाल विपु गंजे गच नष्ट 120 एकर जमि में बेआईन भाव चली चाष को नष्ट अबकारी विभाग एपटे गंजाम नुआगड़ गाँव में व्यापक एकर एकर गंजे चाष नष्ट पुलिस राज्य में केते सुरक्षित शिशु शिशु निखोज को नहीं आसला सांघातिक चित्र अनुगुण विभिन्न चाइल्ड होम रु शिशु निखोज ठाब करिबारे विफल होउछि पुलिस परी मस्कान योजना नहीं उठिला प्रश्न किए देव परी क्यू न्याय एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नुहे मानिले नरसिंह केबे मुह खोलिबे कैप्टेन सेपडे राज्य सरकार को निरपता को नहीं विरोधी प्रश्न अर्गस प्रभाव खबर प्रसारण पर कुन्नी पिहू घरे पुलिस पांच मस शोवा पर जगला प्रशासन चाप पर प्याज पकावा को चेष्टा चाषी को शोषण करुछंती राज्य सरकार धान किनारे अव्यवस्था को नहीं बरसला बीजेपी कैबिनेट संकल्प को दल कहला छणा अभियोग कले प्रदीप कहले मंडी बुलंतु मुख्यमंत्री एवं कुहुड़ी आस्तरण में सारा राज्य सकालु सकालु घन कुहुड़ी गाड़ी चलाचल समस्या 15 तारीख जाए हेबनि पागरे परिवर्तन कुहुड़ी आवरण में ट्रेन सेटे एवं देखिबा संपूर्ण खबर पुरी गस्तरे बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी आज सकालु सकालु पुरी रे पहुंची पतित पावन को दर्शन करिछंती बीजेपी राज्य प्रभारी ए गस्त काल रे श्रीमंदिर खोला जाउ बोली से दावी करथले देश रे विभिन्न स्थान रे मंदिर खोले सारिथिबारु पुरी श्रीमंदिर खोलिबा नै दावी करछंती बगला धर्मशाला बिक्री करा जायथिबारु असंतोष व्यक्त कले डी पुरेन्द्रेश्वरी मुख्यमंत्री एरे तुरंत पदक्षेप नेबाकु से दावी करछंती तांक गस्त समय रे भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति पूरी विधायकों समेत लेखाश्री सामंत सिंहार और अनेक कर्मकर्ता उपस्थित थे देश भर में जहाँ पे भी बड़े बड़े मंदिर है जैसे हमारे प्रदेश में बालाजी का भी मंदिर है उसे तो खोल लिए हैं और वहाँ हर रोज 25 to 30,000 भक्तजन आते हैं वहाँ दर्शन के लिए तो यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं खोलना ये खिलवाड़ है यहाँ के लोगों के साथ और हम बीजेपी की तरफ से हम डिमांड करते हैं जैसे कि जल्द ही जल्द मंदिर को खुलवाएं और इसी के साथ मंदिर के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं हमें यहाँ ज्ञात हुआ कि यहाँ के जो जगन्नाथ मंदिर जी के जो भी धर्मशाला है उसको बेचने का तो तैयारी बेच दिए हैं जिसपे हमारे यहाँ के सांसद जो लड़े संबित पात्रा वो भी कोर्ट में गए इसलिए हम डिमांड करते हैं बीजू पटनायक जी से सॉरी नवीन पटनायक जी से कि वे जल्द ही जल्द मंदिर को खोलें और प्रभु के जो भी प्रॉपर्टीज है उन सबका संरक्षण करें अश्वा परवर्ती खबर को श्रीमंदिर खोलिबा नै आज दिन 12:00 स्थानीय नीलाद्री भक्त निवास ठारे अनुष्ठित हेब छतसा निजोग्र गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार को अध्यक्षता रे अनुष्ठित हेब बैठक बैठक रे पुरी जिलापाल एसपी श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी समेत छतसा निजोग महानायक जनार्दन पाटजोगी महापात्र एवं समस्त निजोग्र सेवायत प्रतिनिधि माने उपस्थित रहबे ते बैठक में श्रीमंदिर खोलिबा सह साधारण भक्तों लगी किभली दर्शन व्यवस्था करा जिवो से संपर्क में आलोचना हेबो सेहीपरी आज बैठक में श्रीमंदिर आसंता 15 तारीख में पड़ुता धनु संक्रांति में पहली भोग नीति सह जनवरी 14 में मकर संक्रांति एवं 28 में देवाभिषेक नहीं नीति निर्घंट चूड़ांत करना तेज संपर्कित अधिक सूचना पर आम सहित पूरी सीधा सड़क जोड़ी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक दिन 12:00 जहाँ समय निर्घंट करा जाए अर्थात छतसा निजोग आज गुरुत्वपूर्ण बैठक बस कौन सब क्यों यार आलोचना रही अधिक अपडेट
निश्चित भाव विस्मय आप जानते श्रीमंदिर खोलिया को लेकर आज छतीसा निजोग एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बस दिन 12टा बेले स्थानीय भक्त निवास श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार अध्यक्षतार यह बैठक बस बैठक में पूरी जिलापाल पूरी एसपी श्रीमंदिर प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी समस्त निजोगर सेवायत प्रतिनिधि जोगदेवे विशेषकर बैठक में चारोटी दिग उपर विस्मय आलोचना हाँ आप जानते आसंता 15 तारीख में महाप्रभु पवित्र धनु संक्रांति और धनु संक्रांति अवसर में महाप्रभु पहली भोग नीति लागू कर तो धनु संक्रांति ठार आसंता चलित कहींपर जानुरी मसने जो पड़ुची मकर संक्रांति दीर्घ एक मस पर्यंत किभली भाव पहली भोग नीति संपन्न हे से नहीं बैठक में पुंगानुपुख आलोचना नीति निर्घंट अनुमोदन पड़ू देवाभिषेक पूर्णिमा तापर नीति निर्घंट कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रिस्मी आप जानते श्रीमंदिर खोलिया प्रसंग कहीं मार्च मस 20 तारीख रु संपूर्ण भाव श्रीमंदिर लॉकडाउन रही जेहेतु करोनार प्रादुर्भाव रही एजावत श्रीमंदिर बंद रही तो विभिन्न महल में दाबी होता है सेवायतों ठूँ आरंभ कर विभिन्न भक्त समाज और विभिन्न संगठन दाबी करते वकिल संगठन दाबी करते शीघ्र तुरंत श्रीमंदिर खोल जाऊ कहीं आप जानते केन्द्र सरकार गाइडलाइन अनुजाई देशर समस्त धर्मानुष्ठान गुड़िक खोलगला कि श्रीमंदिर जेहेतु गोटे संवेदनशील प्रसंग रही श्रीमंदिर को राज्य सरकार बंद रखी किंतु अनलॉक 7 गाइडलाइन अनुजाई श्रीमंदिर जदि खोल जिलापा उपर निर्भर करे राज्य सरकार सीधा सड़क कही कि बर्तमान सुधा श्रीमंदिर खोली ना कि आज जो छतीसा निजोग गुरुत्वपूर्ण बैठक अच्छी से बैठक में मुख्य मुद्दा पलट श्रीमंदिर खोलिया प्रसंग कारण आप जानते श्रीमंदिर खोल को लेकिन अनेक बाद बिवाद लग रही किसी समय पूर्व ओडार जो प्रभारी रही भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी सी सीधा सड़क श्रीमंदिर आसी पतित पावन को अरुण स्तंभ पाखर दर्शन करते सी क्षोभ प्रकाश करते सी सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखी थे जेहेतु केन्द्र सरकार गाइडलाइन अनुजाई देशर समस्त प्रमुख धर्मानुष्ठान गुड़िक खोल श्रीमंदिर कौन पर खोल निश्चित भाव राज्य सरकार को टार्गेट करते कि जेहेतु आज बैठक टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रही निश्चित भाव में बैठक में गोटे सकारात्मक निष्पत्ति आसीपे जहाँ आशा करें जानते या पूर्व गत बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार चलित मस तृतीय सप्ताह में श्रीमंदिर खोलिया नहीं गोटे प्रकार ग्रीन सिग्नाल देते तो निहती भाव में बैठक टी विस्मय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन 12टा बेले बैठक अनुष्ठित हो समस्त नजर रही बैठक पर भक्तों ठूँ आरंभ कर सेवायत पर्यटक तीर्थयात्री श्रद्धा समस्त नजर रही बैठक पर कारण बैठक में कौन आज निष्पत्ति आसान श्रीमंदिर खोलिया को लेकिन आज हूँ छतीसा निजोग बैठक रही आज बैठक में जहाँ भी किसी निष्पत्ति बाहर किभली परिस्थिति में भक्त मैंने कोविड-19 गाइडलाइन मानिक महाप्रभु को चर्मचक्षुरे रत्न सिंहासन दर्शन करेंगे से नहीं आज बैठक में विशेष आलोचना आज बैठक में जहाँ भी किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति बाहर ता परिचालना कमिटी ताको मोहर बाजिबो तो निश्चित भाव में समस्त नजर रही आज बैठक कौन निष्कर्ष बाहर श्रीमंदिर खोलुची के परिस्थिति में श्रीमंदिर खोलुची किभली भाव भक्त मैंने श्रीमंदिर भितर को कोविड-19 कटकणा मुताबक जाकि दर्शन कर समय धार्य करा अर्थात आज दिन 12टे छतसा निजोग जो गुरुत्वपूर्ण बैठक रही कौन कौन सब निष्पत्ति निया समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आप समस्त सूचना पाए तो श्रीमंदिर खोलिया नहीं आज दिन 12टे स्थानीय नीलाद्री भक्त नवास अनुषित हो छतसा निजोग गुरुत्वपूर्ण बैठक तापर समस्त नजर रही तेज मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार अध्यक्षतार अनुषित हो बैठक दुर्नीतिर गंताघर पलटुछि गंजाम जिले में बड़धरणर समवाय स्कैम परलाखेमुंडे विशेष बैंक महिला शाखा वर्ष वर्ष धरी चली दुर्नीति बैंक मैनेजर और बणियां मिलीभगत नकली सुना बंधक रखे हड़प हो कोटी कोटी टंका एने अभियोग आसवा पर प्रशासन एक स्वतंत्र टीम बैंक चढ़ाऊ कर उभयों ना एतला तदंत आरंभ हो गंजाम हिंजुलीकाटु अंतर्गत पुरुणा बुरुपड़ा गाँव में अभावनीय घटना विद्युत तार संस्पर्श आसी दंपति मृत मृतक हेले हीन सामल और विष्णु सामल आज सका खेत को जाता बेले छिड़ी पड़ा विद्युत तार संस्पर्श आसी तर मृत्यु हो पूरा अंचल शोकर छाय खेली जाए उभय को मेडिकल भर्ती कराक्तर तुम मृत घोषणा करते
सबडे खोर्धा धुआळ छकरे मर्मतुद सड़क दुर्घटना ट्राक्टर को धक्का दला ट्रक एक ट्राक्टर रे किछे लोक भोजी खाए फेरुतबा बेले पछपटु एक ट्रक धक्का देतला फलरे ट्राक्टर टी ओलटे पडतला दुर्घटना रे 10 जन आहत होइछन्ते स्थानीय लोके दमकल बाहिनी समानको उद्धार करी बालुगा मेडिकल रे भर्ती करछन्ते विपुल परिमाण गंजेई चाष नष्ट कंधमाल जिला पुलिस अबकारी विभाग मिलित उद्यम फिरिंगिया थाना अंचल जासस फंगा पड़ीपंगा नुआसाही एवं पियनपड़ा अंचल 120 एकर जमीन में बेआईन भाव लग जा गंजे गछ काटि नष्ट करा जायछे सेपरि गंजाम जिला के नुआगड़ गाँव में व्यापक गंजे चाष नष्ट होछि पाटपुर पुलिस अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ कर एकर एकर जमीन में गंजे चाष नष्ट करछन्ते दीर्घ दिन हेबो एठारे बेआईन भाव गंजे चाष होउथिबा अबकारी विभाग खबर पाइथला तेबे काली मिलित चढ़ाऊ रे एसबु गछ को नष्ट करा जायछे त्रुटिपूर्ण ऑपरेशन जोगु चलीगला महिला जीवन एभली सांघातिक अभियोग आसी एरसमा स्वास्थ्य केन्द्र परिवार नियोजन ऑपरेशन जोगु नलकोणी गाँव में जने महिला मृत्यु होइछि मृतक हेले त्रिलोचन राउतों स्त्री बिंदुलता राउत तांको मृत्यु पर स्वास्थ्य केन्द्र उत्तेजना देखा देछि घटनास्थले पुलिस मुतयन करा जायछि अच्छा परवर्ती खबर को संबलपुर कुचिंडा घोषा रास्तार एक गछ निकट रु शिशु उद्धार होछि जन्म परे केही एठारे शिशुटी को छाड़ी दे चले जाइथिबा अनुमान करा जाउछि तबे रास्ते जाउथिबा समय रे एक दंपति शिशुटी को उद्धार करी कुचिंडा उपखंड चिकित्सालय रे भर्ती करथले या परे शिशुटी रो टीकाकरण करा जाय जिला रा शिशु कल्याण समिति रे रखा जायछि डेलांगे गत मसने पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर मरणातक आक्रमण घटन आउ दुई गिरफ्त होती गत नवेम्बर मसने पुरी जिला डेलांग थाना अंतर्गत हरिराजपुर ग्रामर कविता प्रधान और तंक स्वामी कालंदी प्रधान को मरणातक आक्रमण होता एने सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल होता दुर्बृत्त मैंने लुहा रोड रे दंपति को आक्रमण कर लहलुआन कर पकड़े तेरे डेलांग पुलिस मामला रुजु कर पूर्व रश्मिकांत पात्र रवींद्र पात्र को गिरफ्त कर कोर्ट चालान करथिबा बेले गत काली आउ दुई जन को गिरफ्त करिछे गाँ रास्ता मरामती कले ग्रामवासी सुनिलानी प्रशासन शेषे एकाठी हो रास्ता तैयारी कले लोके कंधमाल रास्ता उपरे छ गोटी पंचायतवासी निर्भर करुवा बेले जासपाई लोके समस्या पड़ुते एने प्रशासन निकट में बारंबार गुहारी जन सुनिलानी प्रशासन शेषे एकाठी हो रास्ता निर्माण कले ग्रामवासी शेषरे रास्ता निर्माण कले ग्रामवासी समस्त हाथ में कोड़ी कोदाल बाली गाड़ी पकाइबा सह रास्ता समतुल कले ग्रामवासी ए दृश्य हेउछि कंधमाल जिला फुलबाणी ब्लॉक कटरिंगिया पंचायत अंतर्गत रास्तार दृश्य काणी बाली थारु फिरिंगिया ब्लॉक रो दिना बाली छक पर्यंत 4 किलोमीटर रास्तार अवस्था शोचनीय होइ पडिथिला एने ग्रामवासी बारंबार अभियोग करथुले भी सुणि नथिला प्रशासन शेषरे गां रास्ता मरामती कले ग्रामवासी बहुत रास्ता खराब हेथिला काम करा आम तो फिरिंगा को सदा बेले हाट को जाऊ बजार को जाऊ पनीपरिया भी पनीपरिया सियाड़ भी हाट रू भी किणिक आणुचु रास्ता बहुत खराब जो आम इटा प्राय लोक तीन टा लोक कम करें चेष्टा कल या कम कर लगे ये कुटीन पद्र कदम पद्र सब जताजी जाना साई सब मैंने जावासा कर रास्ता मरामत प्राय बारंबार कहलु विडीओ कहलु सरपंच मान को कहलु किए भी नजर दे इटा आम बाध्य तीन टा वार्ड लोक चंदा बेदा करमी पकाच आमर रास्ता घाट जो सुविधा सुजोग ना से आम समस्ते गाँ लोक एकत्रित होकर आम कम करने आस देख बर्षा दिने मेडिकल जा सुविधा ना
एक स्कूल कॉलेज जीवार सुविधा नहीं तेणु करी आमे समस्त गाँव लोक मिसी ए माटीटा पकिया पई रोड रे आस एही रास्ता उपरे फुलबाणी और फिरिंगिया ब्लॉक रो 6टी पंचायतवासी निर्भर करथांती स्कूल जीबाठारु आरंभ करी मेडिकल जीबा जाय स्थानीय लोके नाही नथिबा समस्या रे पडिथांती आ वर्षा दिने रास्ता कथा न कहिबा भलो एही रास्ता देई उमरागड़ पर्यटन स्थली जीबाकु पडिथाय किंतु रास्ता नथिबारु पर्यटक आसिबाकु पसंद करूनाहांती बहुत थर आम के कलेक्टर पाक लिखिक देलु ब्लक भी मुझेगला तथा तो कर्णपात कले ना आज बर्तमान आम तीन टा वार्ड लोक मैंने श्रमदान आकार समस्ते बाहर देश दुई लोक खटिक समस्ते कम कर कहीं गर्भवती माँ भी जदि खराब ये होगा खराब रास्ता खराब जो बर्षा दिन में बिलकुल इपटे आ गाड़ी चलूना आम बड़ हैरान होन टा वार्ड लोक बाहर श्रमदान आकार देखा बोले आज शहे देश लोक बाहर आसिक्रम चार किलोमीटर पर्यटन आज मटी पकु रास्ता साफा करूँ राति हेल्लेपर जाए परिस्थिति बाध्य कर दीर्घ 60-70 वर्ष हो गला रास्ता उपर कौन मटी डोलाटे पड़ूना सरकार रास्ता करु आज पर्यटन मटी डोला पड़ूना आमर साधारणतः काणीबाली बाड़ाबंग काकामा तीनटा वार्ड लोक फिरिंगिया को निर्भर सदा बेले प्रत्येक जिनस स्वास्थ्य आणिज आउ शिक्षा सब दिग्वे आम फिरिंग आशा कर रोचु कलेक्टर पाक जनईचु जदि तार कौन प्रकार कार्यक्रम न हुए ताले आगामी दिन आम इलेक्शन आसिले आम निश्चिंत एक प्रतिश्रुति नहींचु शपथ पाठ कर भोट बर्जन करू सरकार शुणुना तो सरकार कहीं गठन करबू जो सरकार आम गठन कले सुधा आम कथा किए तो शुणिले ना आ भोट देखे लाभ कौन हम प्रशासन न शुणवरु रास्ता निर्माण कले ग्रामवासी निजे ट्राक्टर बोही पकाइले माटी आउ हातरे फाउडा धरी गाँ रास्ता निर्माण कले ग्रामवासी उद्यम को विभिन्न महल रु प्रशंसा कर तेरे रास्ता मरामती करने कौन प्रशासन काम नुहे कि ताहा बे बड़ प्रश्नचिह्न सृष्टि करिछि कंधमाळरु ब्रजमोहन नायकंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज राज्यरे असुरक्षित शिशु परी आसु ओ पिहु परे एबे छात्रावासरु शिशु निखोज घटना चंचल सृष्टि करिछि विभिन्न चाइल्ड केयर रे शिशुंक सुरक्षा नै उठिछे प्रश्न अनुगुल जिल्लार विभिन्न सीसीआई गुडी करु क्रमान्वयरे शिशु निखोज होता बेले सेमानंक ठारु ठाब करिबारे विफल होछि पुलिस सेपरी राज्य सरकार को विभिन्न योजना मध्य फेल मारिछि अनेक शिशु बाजी राउत छात्रावासरु निखोज होता सूचना मिले सेपरी आदृत चिल्ड्रेन होम रु प्राय दुई जन निखोज थी बेले जड़े केवल ठाब होते किए देवे परी क्यू न्याय परीर हत्याकारी धरव किए मंत्री अरुण साहू सुरक्षापाई कर षड़ जाणीशु अरुण बोथ्रा एसआईटी मुख्य जहाक नहीं प्रश्न घर में परी हत्या घटनार तदंत किए देव परी को न्याय परीर हत्याकारी को धरव किए मंत्री अरुण साहू सुरक्षापाई कि षड़ जाणीशु अरुण बोथ्रा कर एसआईटी मुख्य एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रांकर नाही पुलिस क्षमता गोटे पटे एसआईटी तदंत और एपटे परी को न्याय नहीं आशंका एसआईटी जे कोर्ट मॉनिटर नुहे एवं यह सरकार द्वारा गठित टीम यह प्रमाणित हो सारी खाली से नुहे एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा पाखे पुलिस क्षमता भी नहीं पूर्वरु पूर्वतन पुलिस डीजी तथा बीजेपी नेता प्रकाश मिश्र एक कथा कहिबा परे एबे कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र से ही कथा दोहराइछंती परि हत्याकांड घटना परिप्रेक्षीरे आमर स्पष्ट दाबी होउची जे सरकार गठन करितबा एसआईटी रे एपरी पुलिस अधिकारी रोहंतु जो माने सेक्शन 36 सीआरपीस रे पावर एक्सरसाइज करिवार क्षमता थिबो एवं सही एसआईटी संपूर्ण निरपेक्ष भाव रे वर्तमान माननीय हाईकोर्ट को तदारख रे काम करिवो अरुण साहू बाबुली नायक संपर्क होई छि खुलासा
କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, କାହିଁକି ଅରୁଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲାନି, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କେବେ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେବେ ଗମ୍ଭୀରାରୁ ବାହାରିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ? ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି କି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇପାରିବେ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍, 4.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକି କାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କରୁନଥିଲେ? SIT ଗଠନ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା SIT ର କୌଣସି ଯିଏ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ବା BJP ର ଦାବି ହେଉଛି CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏକ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ଅଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ'ଣ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ପରେ ସରକାର ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସେପଟେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଆଶା, ଗରିବ ପିହୁ ପରିବାର ଘରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। 5 ମାସ ହେଲା ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ପୋଲିସ ହଠାତ୍ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଅବହେଳା କରିଥିଲା ନା ଚାପରେ ରହି ଘଟଣାକୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା? ଆମେ ତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଭେଟ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ତ କହିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ, ଆଉ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। SP ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ISIଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବେ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଭାବ, ପିହୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। 5 ମାସ ପରେ କୁନି ପିହୁ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଲିସର ନିଦ। ଗୁରୁବାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଜପୁର SP ଚରଣ ସିଂ ମିନା, ପିହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ SDPO ନାରାୟଣ ବାରିକ ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର IIC। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିହୁଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ତଦନ୍ତ କିଛିଟା ଆଗଉଥିବା ଆଶା ଦେଖିଛି ପିହୁଙ୍କ ପରିବାର। ନ୍ୟୁଜରେ ବାଜିଲା ବୋଲିକି ଆଜି ଆସିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମକୁ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ, ମୋ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିଲା। ମୋର ଆଶା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ TVକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ଅର୍ଗସ TVର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ସବୁ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ହଉ, ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5-4 ମାସ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏବେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଗରୁ କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲା ପୋଲିସ? ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା କି? ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କାରଣ ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? କିଏ ଓ କାହିଁକି ପିହୁକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି? କେଉଁ ନେତା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା କି? ନା ଗରିବ ବୋଲି ପିହୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ? ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଶୋଇଥିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା, ନା କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ନା SP ମହାଶୟ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼କୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ କି ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେଲା କାହିଁକି ତୁମେ ଏଥିରେ ଲାଗିନଥିଲ, କାହା କାହା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁନଥିଲ, ତୁମେ କାହା ଚାପରେ ମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲ? ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ସୁରାଗ କିଛି ମିଳିନି, କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିନି, ତଥାପି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲି ଜାରି ରହିଛି, କିଛି ତା ଭିତରୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆସିନି ସେ କେସ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ଦେଉଛୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଏ କେସ୍ଟାକୁ। ଇନିସିଆଲି ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଆମର SI 32 ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ସେ ଅଧିକା ପ୍ରୋସିଡ୍ ନକରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ SPଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ IAC ନିଜେ ତଦନ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କେସ୍କୁ ସୁପରଭିଜନ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ SP ବି ସେ କେସ୍ରେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ସିନ୍ସିୟର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି 2 ବର୍ଷର ବିହୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ବିହୁକୁ ନେଳିଆ ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ କିଛିଟା ଆଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିହୁଙ୍କ ପରିବାର। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ତମାମ ଖବର ଜାଣି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।